हेलो साथियों, नमस्कार। बलबीर प्रसाद के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो साथियों, आज संडे है और हम हैं जर्नी पर और हम जा रहे हैं हल्द्वानी। तो मैं पहुंचा हूं अभी जाड़ा पानी और यहां पर ठंडा ठंडा पानी हमने भर लिया है। यहां पर घना जंगल है और आज सुहाना मौसम हो रहा है। जाड़ा पानी इसलिए रखा गया है कि यहाँ जाड़ा काफ़ी होता है। साथियों, यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर, बहुत अच्छी लोकेशन में ये बना हुआ है और जाने के लिए रास्ता भी बहुत अच्छा बना रखा है। मुझे लग रहा है बारिश के लिए ये रास्ते पर के ऊपर छत भी बना रखी है। संकट मोचन हनुमान मंदिर, गुप्तेश्वर गोदीगढ़। ये लिंगोड़ा हुआ नहीं, कितने का है? अच्छा, ये साफ जगह से लाते हो? कहाँ होता है? गाड़ी तेरे नालों में होता है, यानी कि जहाँ नमी वाली जगह होती है। अच्छा, साफ जगह, साफ होगा। कैसे बनती है सब्जी? अच्छा, दही नहीं है तो सूखा नहीं बनता इसका? अच्छा, पहले उबालना पड़ता है। अच्छा, गर्म पानी में उबाल के फिर निचोड़ दिया। ठीक। तो पकाना कितना सीटी लगानी पड़ती है क्या? कदू लगाना है? हाँ ना, ठीक है। जा दिया, आपकी भी मेहनत है, देखो ठीक है। बिल्कुल। और जॉग भी लगते होंगे इसमें तो? अच्छा, ये हुआ लिंगोड़ा। तो साथियों, ये लिंगोड़ा है और ये गार की धरों में होता है, नमी वाली जगह पर। और ये इसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, जंगली वेज इसको हम कह सकते हैं। स्पेशल सब्जी बनती है इसकी, बहुत ही जानिया। हाँ, इसको लाते हैं गाड़ के दे रहे हो ऐसी जगहों से और नमी वाली जगहों से, और इसको लाने में काफ़ी मेहनत भी होती है, इनकी जोंक भी लग सकते हैं। लीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीच जोंक। अच्छा, जोंक लगे हैं फिर आपको कभी? हाँ, सब घाव हो रहे हैं, ये देखो। अच्छा, ये बारिश में ही होते हैं, इसी महीने होते हैं या बारह माह होते हैं? अच्छा, बरसात के टाइम में ही, चातुर्मास में ही। हाँ, तभी होता है। ठीक, दे दो फिर, दे दो, दे दो, तीन दे दो। हाँ, खाते नहीं है, बल बच्चे वहाँ ले जा रहे हैं हल्द्वानी को। पूछा तो वहाँ कह रहे थे कभी बनाए नहीं, ये हरे वाले में से दो जो अभी बना रखे हैं। हाँ, ये तीनों ठीक है। कितने पैसे हुए हैं? कितने पैसे हुए? 45 नहीं, आपको पैसा 50 देंगे हम, आप मेहनत कर रहे हो इतना। हाँ, ज्यादा नहीं, घर जाते समय ले जाऊंगा फिर घर। अच्छा, घर में ना, उसे कहा घर में हमारी मेरी मिसेज बनाती है बहुत अच्छी, इसको उसको आता है और पेट की सफाई भी करता है। बिल्कुल, ये अच्छे लगते हैं। मैं घर जाते समय, परसों भी देखा मैंने जाते समय आपको यहाँ। ठीक है, आम खाए फिर। आम ये हमने ले रखे हैं लोकल के आम सेराघाट से, और ये सब्जी के लिए लिंगोड़ा, और ऐसे हम ले जा रहे हैं हल्द्वानी। चलो भाई, आम निकालो। ये निकाल दिए हमने आम, पकड़ दो।
अभी हम बाड़ेसीना से आगे रुके हैं। बढ़िया, आ जाओ। और बोनट को भी थोड़ा सा हम ठंडी हवा खिला रहे हैं, बोनट हो जाएगा ठंडा। पानी पानी ला, पानी भैया पानी ला वहाँ से। रख लो कोई बात नहीं, बोनट को ठंडा होने दो, हम हवा खा रहे हैं तो इसको भी खाने दो, क्या दिक्कत। नई गाड़ी है, नहीं में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी जब हम हवा खा रहे हैं तो इसको भी खाने दो। भवाली, भवाली से थोड़ा सा 100 मीटर ऊपर, और यहाँ पर क्या है, मॉडल क्रू स्टेशन भवाली। बहुत अच्छी लोकेशन यहाँ पर भवाली की है। और अब हम तो मन कर रहा है भुट्टा खाने का। कितने का है भुट्टा? वाह, 40 का। कच्चा या पका? पका वाला। अच्छा, कौन से भुट्टे हैं ये? देखो पहाड़ी भुट्टे हैं, 40 रुपये का एक भुट्टा हुआ। तो इतना महंगा क्यों दे रहे हो हैं? अच्छा, मैं यूट्यूबर भी हूँ ना। कितने का है? 40 का है। ये पहाड़ी भुट्टा है, देसी है, पहाड़ी भुट्टा है। ये है आग, इसमें इसको भुना जाता है। एक और अंकल जी यहाँ पर भुट्टा बेच रहे हैं, देखते हैं इनका क्या है। ये अंकल जी आपके हैं क्या ये फूल? अच्छा अच्छा, कौन कौन से फूल हैं इसमें? अच्छा, इसमें पौधे भी दिख रहे हैं, ये संतरे के, माल्टा के, क्या हैं? अच्छा अच्छा, कहाँ से लाते हो? ये सुरई है, माल्टा है, नींबू है, सेब है। अच्छा, कहाँ से लाते हो? तेज पत्ता है। लाते कहाँ से हो? अपनी नर्सरी है या नर्सरी से खरीद के लाते हो? खरीद के भी लाते हैं। अच्छा, अपनी भी है? अपना भी बनाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? यही भवाली। अच्छा, भवाली के। मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब बनाता हूँ ना। अच्छा, पैसा ना, परसों भी आया था मैं आपके पास है? तो भुट्टा कितने का है? भुट्टा वही है 30 का, तो महंगा ही। उस दिन 25 का दिया था, आज 30 का है। पुराने ग्राहक है पहले। ये भुट्टा पहाड़ी है या देसी है? तुम्हारे पड़ोसी तो कह रहे हैं कि पहाड़ी भुट्टा है और 40 का है। अच्छा, तो आपके पास तो भुट्टा भी बड़ा है। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि जस्ट बगल में यहाँ पर भुट्टा 40 का है, वो भी पहाड़ी बता रहे हैं। और थोड़ा सा अभी व्यवस्था है, महंगा है, काफ़ी महंगा ले रहे हैं। और महंगा तो नहीं लेना चाहिए, टूरिस्टों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए सबका। ज़्यादा 2-4 रुपये का अंतर हो तो चलता है, लेकिन काफ़ी अंतर है 25 और 40 का। और यहाँ पर से मैं पहले भी भुट्टा ले गया था, तो इन्होंने रिजनेबल रेट में 25 का लगाया था। मैं कच्चा भुट्टा ले गया था, इन्होंने 15 का लगाया था शायद। चलिए, बनाए फिर 2 भुट्टे बनाए हमारे लिए, बढ़िया सा, बड़े बड़े। तो जो भी साथी है यहाँ पर आए हैं भवाली के पास में, तो भुट्टा इनसे लें, यहाँ पर 25 का आपको मिल जाएगा। और जस्ट बगल में वो 40 का लगा रहे हैं, थोड़ा महंगा है। इसमें नींबू मसाला क्या क्या लगाते हो? अरे सर, अभी उठा लिया नींबू और है चटनी और नींबू, पहाड़ी चटनी और पहाड़ी नमक इसमें लग रहा है। चलिए, ये कच्चे भी रख दो मेरे लिए।
क्या साइकिलिंग वाली बोट है ना? साइकिलिंग कर रहा है। अच्छा, ये भी बढ़िया है। ये लेकिन खतरनाक है यार, नए वो तो ट्रेनर होगा, जो भी होगा करने वाला ट्रेनर होगा। भाई एक एक आशु भी चला रहा है, ये देखो मोबाइल भी चला रहा है अभी। हम पहुंच गए हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन और ट्रेन में बैठ चुके हैं। हम आगे की यात्रा ट्रेन से करने हैं हमने। सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ,